बहुत अच्छा लग अच्छा टफ फाइट हुआ हमारा थोड़ा बैटिंग गंदा हो इसके बदल से बैटिंग और फील्डिंग गंदा हो इसके बदल से हम हार गए फाइनल में हम लोग हारे लेकिन थोड़ा सा फील्डिंग की वजह से फील्डिंग अगर अच्छी की होती और कुछ बैट्समैन ने रन नहीं किए ऊपर के बैट्समैन जो थे उन्होंने रन नहीं किए इस वजह से हम यहाँ पे हार गए लेकिन टूर्नामेंट बहुत अच्छा था खेल के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हमने लास्ट ईयर सेमी हारा था तो इस बार फाइनल तक पहुँचे मतलब हमने एक पायदान MI में चढ़ा और इस बार अगर फाइनल खेले तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर फाइनल मारेंगे टूर्नामेंट में अच्छा जर्नी था स्टार्टिंग से स्कोर थोड़ा हो रहा था 60-70 फिर एक बीच में 100 भी आया अच्छा कंसिस्टेंट बन रहा था इसके लिए अच्छा लग रहा है सिर्फ मैं मतलब पकड़ के डालना देखता हूँ तो उन लोग मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उन लोगों को ज़्यादा रन नहीं मिलते तो उन लोग हिट करने को ट्राई करते हैं उन लोगों को मतलब मिल नहीं पाते बोल हिट करने को इसमें स्कोरिंग ऑनलाइन होती है बच्चों को मोटिवेशन मिलता है जर्सी वगैरह मिलता है कैप मिलता है MI का और प्लस मोटिवेट करने के लिए इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं इट फील्स रियली वेल टू प्ले दिस टूर्नामेंट बिकॉज अपॉर्चुनिटीज हैव बीन गिवन इन दिस टूर्नामेंट टू यू नो ट्राई टू गेट अ बेस्ट बैट्समैन बेस्ट विकेट कीपर ये टूर्नामेंट में भी बहुत सारी फैसिलिटी है और ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा भी है आगे जाके इसका फायदा भी होगा मे बी ये चीज कंटिन्यू चलेगी तो हमको इसी लेवल से इंटरनेशनल क्रिकेटर्स मिलेंगे इंशाल्लाह यार मुंबई इंडियंस का जब लोगो लगने से बच्चों के अंदर एक अलग क्लास का उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है मुंबई इंडियंस के लोगों की वजह से हमें प्राउड फील हो रहा है